वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैथ्स के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो अधिकतर रेलवेज, एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्कूल अवार्डेड 48 मेडल्स इन टेनिस, 25 इन बैडमिंटन एंड 20 इन फुटबॉल। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 68 स्टूडेंट्स एंड ओनली 5 स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? ए 20, बी 30, सी 40, डी 10। एक स्कूल ने 48 मेडल टेनिस में, 25 मेडल बैडमिंटन में और 20 मेडल फुटबॉल में दिए हैं। यदि ये मेडल कुल 68 छात्रों को दिए गए हैं और 5 छात्रों को मेडल तीनों खेलों में दिए गए हैं, तो 3 में से केवल 2 खेलों में मेडल जीतने वाले छात्रों की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 48 मेडल्स हैं उनमें आप 25 मेडल ऐड करेंगे जो बैडमिंटन के हैं, और 20 ऐड करेंगे जो कि फुटबॉल के हैं, और 5 मेडल तीनों खेलों में मिले हैं उनको ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा, इसको ऐड करिए आप, 5 5 10 प्लस 8 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 4 9, ये हो गए आपके 98। अब इस 98 में से जो 68 है उसको माइनस कर दीजिए, एट माइनस एट 0 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3, यानी कि 30 आ जाएगा आपका। तो इन ऑप्शंस में आप बी पे देख रहे हैं, बी पे 30 लिखा है, तो यही आपका सही आंसर है। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप 60 पीपल स्पीक इंग्लिश, 30 स्पीक हिंदी एंड 20 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? ए 50, बी 40, सी 70, डी 80। एक समूह में 60 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 30 हिंदी बोलते हैं और 20 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो कितने हैं, 60, और जो हिंदी बोल रहे हैं वो है 30, उनको दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 90। और हिंदी और इंग्लिश 20 लोग बोल लेते हैं, तो इस 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 70। यही हमारा आंसर है। आप देख रहे हैं सी पे 70 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज योर आंसर। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी क्रिएटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 3 फ्लैग्स वन बिलो द अदर? 5 झंडे भिन्न रंगों के हैं, यदि एक के ऊपर एक 3 झंडे लगाकर एक सिग्नल बनाया जाता है, तो कितने अलग अलग सिग्नल बना सकते हैं? तो इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए 20, बी 40, सी 50, डी 60। तो इन ऑप्शंस में से आपको सही आंसर चुनना है। तो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं 3 झंडे, तो एक सबसे नीचे का झंडा होगा, उसके ऊपर का झंडा होगा, फिर उसके ऊपर का झंडा होगा, ऐसे 3 झंडे होंगे। तो सबसे नीचे का झंडा 5 फ्लैग्स में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। अब एक झंडा आपने लगा दिया सबसे नीचे, अब जो दूसरे नंबर का झंडा इसके ऊपर लगाया जाएगा, अब जो बचे हुए 4 झंडे हैं उन्हीं में से कोई एक होगा, तो वो 4 तरीके से हम चुन सकते हैं।
अब दो झंडे हमारे लग गए। अब सबसे ऊपर वाला जो झंडा है तीसरे नंबर का, उसके लिए हमारे पास तीन ही झंडे बचेंगे। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइव को पहले फोर से मल्टीप्लाई करिए, फाइव फोर जा 20, और 20 को फिर थ्री से मल्टीप्लाई करिए, 23 जा 60। तो आप ऐसे 60 सिग्नल्स बना सकते हैं। अब डी पे देख रहे हैं आप 60 लिखा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टू डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से बनी दो अंकों की विषम संख्याएं कितनी होंगी, ये पूछा है इस सवाल में। ए 28, बी 14, सी 21, डी 49। इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑड नंबर क्या होता है, जिसकी वंस प्लेस की डिजिट इकाई का अंक ऐसा होता है जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। तो दो अंकों की संख्या है, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो जो दहाई का अंक है वो तो आप इन सेवन डिजिट्स में से कोई भी एक चुन सकते हैं। तो उसको इन सेवन डिजिट में से कोई भी डिजिट लिख के हम टेंस प्लेस की डिजिट को फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि वो एक ऑड नंबर है, तो जो वंस प्लेस की डिजिट होगी वहाँ पे हम केवल 1, 3, 5 या 7 ही लिख सकते हैं। तो ये 1, 3, 5, 7 चार अंक हैं जिनको हम वंस प्लेस पे लिख सकते हैं। तो इस 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7, 4 जा कितना आ जाएगा 28। तो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन जो है वो 28 लिखा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 1 आवर मोर फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ए 90 किलोमीटर पर आवर, बी 50 किलोमीटर पर आवर, सी 45 किलोमीटर पर आवर, डी 60 किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन एक समान चाल से 450 किलोमीटर दूर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो यह 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो ट्रेन की चाल बताओ। इसको अगर आप एक्स मान के करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप जो हैं ऑप्शन से इसको जल्दी से हल कर सकते हैं। आप ए ऑप्शन में देखिए, ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो आप इसको चेक करिए। क्या करेंगे आप, 450 को 90 से डिवाइड करिए, क्योंकि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 450 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9, 5 जा 45, 5 आ जाएगा हमारा। अब अगर 5 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें स्पीड को, यानी कि अब 90 की जगह क्या हो गई,
85 हो गई। तो अब हम 450 को 85 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है सॉल्व करने पे 5.29। ये 5 से 1 ज़्यादा यानी कि 6 नहीं आ रहा है, तो ये ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा गलत हो गया है, ये आंसर नहीं हो सकता ए। अब बी को चेक करते हैं ऐसे ही। बी में स्पीड दे रखी है 50, 450 को 50 से डिवाइड करिए तो 59 जो 45 आ गया। अब 50 में से 5 माइनस करिए तो 45 आ जाएगा। अब 450 को जब 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10, 45, 1 जब 45 ये आ जाएगा हमारा 10, यानी कि अब 9 था पहले, अब एक घंटा बढ़ गया 10 हो गया। और यही क्वेश्चन में भी है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हम कम करते हैं तो एक घंटा ज़्यादा लगता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। 450 को आप 45 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। आप 45 की जगह 450 को 40 से डिवाइड करिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 11.2 आएगा, 11 नहीं आएगा पूरा, तो सी ऑप्शन भी सही नहीं है। ऐसे डी को भी आप चेक कर सकते हैं, 450 को 60 से डिवाइड करिए 7.5 आएगा, और 60 में से 5 माइनस कर दीजिए 55 आया, 450 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 8.18 आएगा, 8.5 नहीं आ रहा, तो सी और डी आपके ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, केवल बी ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।